पेंसिल से काम करना है अपने को, यहाँ पेंसिल से काम करना है। अंत में देखेंगे चार्ट है वो कैसे चार्ट होगा हमारा,
दूरी है, यहाँ पर हम लिख लेंगे कितनी दूरी आ रही है। मीटर की साइड से हमें दूरी लेनी है, तो ये लगभग 4 मीटर, हाँ 4.20 आ रहा है ना, तो ये 4.20 हो गया हमें। ऐसे ही ये हमारा स्टेज है, तो इस स्टेज का कोना ले लो, इस स्टेज का ये वाला कोना आ जाएगा, ठीक है। ये स्टेज आ चुका है और इसके लिए हमने हल्की सी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर भी लाओ और इस पर भी हम देखेंगे कि ये इस प्रकार से हमने यहाँ पे हल्की लाइन जो है वो बनाई है। तो कितना मीटर आ रहा है, 2 मीटर और 45, 2.45, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं, हम थोड़ा वीडियो को फास्ट करते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो हम यहाँ सही करके कुछ भी मिलेंगे तो जैसा कि हमने यहाँ पे दूरियाँ इसकी ली हैं, माप ले लिए हैं, अब इस माप को एक्यूरेट बनाना है मापनी के आधार पर। तो देखिए, अगर हम मापनी यहाँ पर लेते हैं 1:100, 1:100 का अर्थ क्या रहता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर में कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर में कितना आया, 1 मीटर आया, क्योंकि 100 सेंटीमीटर से क्या बनेगा, 1 मीटर। तो ये जो दूरी होती है ये क्या होती है, धरातल पर दूरी होती है, धरातल पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और ये होती है मानचित्र पर। तो ये अपना मानचित्र बन रहा है, मानचित्र पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये दर्शाएगा। तो धरातल पर 1 मीटर है तो हम मानचित्र पर कितना लेंगे, 1 सेंटीमीटर। तो इस आधार पर अगर हम इस डायग्राम को बनाना चाहें तो ये 4 मीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर में आ जाएगा, ये 2 मीटर है तो ये लगभग 2 सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इस हिसाब से तो ये हमारा इतना बड़ा कमरा बहुत ही छोटा कमरे में शो होगा। तो हम ऐसे करते हैं, यदि हमारे पास में फील्ड का एरिया कम होगा ना, तो हम मापनी चेंज करके देखते हैं। यदि हमने मापनी को 1:200 किया तो अब क्या अर्थ निकलेगा इसका, 1 सेंटीमीटर बराबर में 200 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर आ जाएगा 2 मीटर, यानी 2 मीटर के लिए हम 1 सेंटीमीटर की ही लाइन खींचेंगे। तो ये 2 मीटर का एरिया 1 सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो ये और भी छोटा हो चुका है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मापनी जो है वो 100 से बड़ी नहीं जाएगी, अब 100 से छोटी लेके चलेंगे। तो यदि हम मापनी लेते हैं 1:50, तो इसका अर्थ कहलाता है 1 सेंटीमीटर बराबर में 50 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर में 0.5 मीटर, यानी आधा मीटर। तो आधे मीटर के लिए 1 सेंटीमीटर की लाइन होगी, तो फिर 1 मीटर के लिए कितनी लाइन होगी, 2 सेंटीमीटर की, डबल होगी, ठीक है ना यहाँ पे लाइन। ऐसे ही 2 मीटर के लिए कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर की होगी। लेकिन हमारे पास में हाईएस्ट दूरी कितनी है, 4 मीटर है, तो 4 मीटर होगा तो उसके लिए 8 सेंटीमीटर की दूरी बनेगी। इसीलिए अभी भी ये हमारा डायग्राम छोटा ही रहेगा। तो और बड़ा करने के लिए मापनी को और छोटा कर देंगे, यानी 50 है तो 50 की बजाय अब हम कितना कर देंगे, 25 कर देंगे। इस अकॉर्डिंग अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो कैसे होगा, सबसे पहले वही सिस्टम, 1 सेंटीमीटर बराबर में 25 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर ये मानचित्र की दूरी है बराबर 0.25 मीटर, ये धरातल की दूरी है। 0.25 मीटर का मतलब है ये चौथा हिस्सा होगा, 1/4 हो गया। तो अब चौथा हिस्से के लिए 1 सेंटीमीटर दूरी ले रहे हैं अपन, तो इसको कैसे करेंगे देखना जरा। 0.25 मीटर के लिए
एक सेंटीमीटर की लाइन खींची जाती है तो बताओ किसके लिए 4.25 मीटर के लिए ये लाइन कितनी खींचेंगे। तो इसको कैसे करना है, 0.25 इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 0.25 से डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक सेंटीमीटर, तो ये बनेगा आपका कितने पे जाएगा, लगभग पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और 25 आठा 200 होते हैं, 25 16 तो ये जाएगा कितने पे, 17 सेंटीमीटर। डिवाइड करके देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा शो हो रहा है ना जी। जैसे 425 है, इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, 25 से, तो ये आ जाएगा 25 एकम 25, 7, पहले एक पे गया, 25 आता 175, तो यानी कितना आएगा 17 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये लाइन आएगी 17 सेंटीमीटर की, तो अब हम इसको बनाते हैं, यहाँ से काउंट करेंगे, इसी लाइन के बराबर रखेंगे, तो 17 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे बनेगा। तो ये कोना हमने देख लिया है कि इस जगह पर आकर बनेगा। ऐसे ही जल्दी से हम करना शुरू करते हैं, तो 2.45 इसको भी डिवाइड करेंगे किससे, 0.25 से भाग देंगे, ठीक है, तो ये देखते हैं कितने पे जाएगा, तो 25 आठा 200, 25 निमा 225, ठीक है, और 25 आया 250, ये 10 सेंटीमीटर के लगभग जा रहा है, तो 9.5 कितना, 9.5, तो ये 9.5 सेंटीमीटर बनेगा, ये जो एरिया बनेगा हमारे पास में 9.5 सेंटीमीटर का बनेगा। ये 4.20 है, तो इसको भी 4.25 मान के चलो, ये भी 4.25 था, तो कितना बनेगा, इसके लिए भी 17 सेंटीमीटर की लाइन बनेगी, यहाँ पर बनेगी 17 सेंटीमीटर की, तो ये आ गया। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं आगे, तो ये कितनी है, 2.10 है, तो 2.10 के लिए कितना बनेगा, 2.10 यानी कि 200 सेंटीमीटर लगभग, है ना, 2 मीटर का मतलब 200 सेंटीमीटर हो गया, तो 25 आठ आई 8 पर जाएगा 8.4, ये हमारा ऐसे कितना है, यहाँ पे 8.4 आएगा, तो 1, 2, 3, 4, और ये दूरी कितनी थी हमारे पास में, ये यहाँ पर लिखना 3.95 था ना, ये दूरी कितनी थी, जल्दी से काउंट करना इसको, कितना निकालो, 395 का देखें, 395 का अगर देखें तो कितना आएगा, 25 से 150 ये आएगा 15.5, कितना 397, हाँ तो फिर दोनों एक जैसे ही आ गए, तो ठीक है 15.5, इसलिए फील्ड बड़ा होता है तो बनाना आसान रहता है, फील्ड ये बहुत छोटा है तो हम इसको क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास में सभी कोने आ चुके हैं, तो अब हम इन कोनों को मिलाएंगे, ये लाइनें कभी भी शो नहीं की जाती, ना ही यहाँ पर दूरियाँ लिखी जाती है, ना ही ये लाइनें खींची जाती है, फिलहाल यहाँ पे आपको बताने के लिए लाइनें यहाँ पर ड्रॉ की थी, ठीक है, तो ये देखिए ये हमारे पास आ गया इधर, फिर आप देखेंगे कि इधर थोड़ा सा गेट छोड़ा हुआ है, तो जितना गेट छोड़ा हम वो भी यहाँ पर कर सकते हैं, उसके भी दोनों कोने लेकर के ना हम उसे छोड़ सकते हैं कि कितना दूर है, जैसे ये जितनी चौड़ाई इसकी है उस हिसाब से हम इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है गेट आ रहा है, फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा हमारा कमरे का मैप बन करके तैयार है, और ये क्या आ गया यहाँ पर स्टेज आ गया, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा जा रहा है, 2.45 है ना, इसको वापस से चेक करना पड़ेगा, 2.45 के लिए कितना लिया था, तो ये जाएगा आपका कितने पे,
25 नीमा 225 बचेंगे 20 25 18 9 पट 8 पे जाएगा। ये अभी 9 पट 5 लिए ना अपने, ये 9 पट 8 पे जाएगा यहाँ। इसलिए अगर आप देखो तो पहले ये थोड़ा तिरछा बन रहा था ऐसे, अब यहाँ बन जाएगा ठीक है, थोड़ा सा सीधा यहाँ पर बनेगा। ये हमारा यहाँ पर स्टेज बन करके तैयार है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर हम इसकी कोई एक शेडो दे देते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या दिखाने हैं, इंडेक्स भी तो दिखाना है ना। इंडेक्स के लिए हमारे पास यहाँ पर कोई भी सिंबल नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर इस कुछ लिखेंगे नहीं, हम इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे एक शो कर देंगे यहाँ पर, एक ऐसा ही हम यहाँ पर बना देते हैं कुछ नहीं यहाँ पर, क्योंकि हमने कुर्सी का तो फिर लिया नहीं ना, उसका पॉइंट नहीं लिया हम, इसलिए तो ये कॉर्नर ले लेंगे। ठीक है ऐसे दिया, और अब हम यहाँ पे इंडेक्स बना लेते हैं। अब कोई ज्यादा बड़ा काम यहाँ पर नहीं रहा है, इंडेक्स किसी एरिया में बनाना है ध्यान रखना। याद है क्या ट्वेल्थ में किया था, तो कम से कम कोशिश करो कि इंडेक्स हमारे पास में तीन आए, कम से कम कितने इंडेक्स आ जाए, तीन इंडेक्स आ जाए। अब हमारे पास यहाँ कितने बनते, दो ही बनते हैं, एक पेड़ बना देंगे। पेड़ कैसे बना देंगे कमरे के अंदर, पंखा तो छत पे ना, लेकिन पॉइंट हमेशा वही बनते हैं जो एक जगह पे स्टेबल रहते हैं। ये चेयर तो कभी भी यहाँ से हटाई जा सकती है, किसी को यहाँ पे खड़ा कर दे, पर नहीं सर आज तक ठीक है। तो कहीं पर भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ एक जैसे सिलेक्शन दंड का हम बना देते हैं, या हमने एक सर्वे दंड का मार्क लिया ठीक है। अब इसी चीज को हम यहाँ पे शो कर देंगे, तो हरा पूरा इसके अंदर यहाँ पर सब दिखाई दे रहे हैं ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे ये क्या है, स्टेज जो भी होगा इसके स्प्रिंग चेक कर लेना ठीक है ना, ये आएगा लास्ट में ना। ये कॉर्नर हो गया है, और क्या आ गया, सर्वे रोड या फिर सर्वे रोड बोलते हैं इसको, या फिर हिंदी में लिखोगे तो सर्वेक्षण दंड बोलेंगे ठीक है। ओके तो ये हमारा बन करके तैयार है यहाँ पर, और अब यहाँ पर इस तरह ये तो इंडेक्स कंप्लीट हो गया, हाँ अब माप नहीं देखेंगे, मापनी हमेशा इस एरिया में बनेंगे ना, तो मापनी के लिए जल्दी से कैलकुलेशन कर लेते हैं किस प्रकार से होती है। देख लीजिए हमारी मापनी कितनी है, 1:25 की, एक सेंटीमीटर बराबर में कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर, 0.25 मीटर आएगा। अब हम मापनी कितनी लेते हैं, अभी कम से कम 10 सेंटीमीटर की लेते हैं, 10 से 15 के बीच में,
अब हम यहाँ पे कितने सेंटीमीटर की माप नहीं लेंगे, तो यहाँ पर मान के चलते हैं 12 सेंटीमीटर की माप नहीं लेंगे। तो 12 सेंटीमीटर, अब इसको 12 से गुणा किया, इसको भी क्या करो 12 से गुणा करो, 12 से गुणा करेंगे तो 25 को 12 से गुणा करते हैं तो 25 का 150 होता है, 6 पे 150 बनता है, तो 12 पे कितना बनेगा 300 बनेगा, तो ये आएगा 300। और दो पॉइंट लगे हुए हैं तो कितना बन गया 3 मीटर, तो 12 सेंटीमीटर बराबर में 3 मीटर हो गया। अब हम इसे करेंगे प्राथमिक विभाजन, तो कितने कर देते हैं 3 टुकड़े कर देते हैं इसके, तो ये बनेगा 4 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा बनेगा, 1 मीटर को दर्शाएगा। अब इसके क्या करने हैं, गुण विभाजन करने हैं, तो ये 4 सेंटीमीटर है और ये कितना बनेगा 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं, क्या होते हैं 10 डेसीमीटर होते हैं। तो अब इसके अपन कितने टुकड़े करेंगे, तो बराबर और टुकड़े करने हैं तो 5 टुकड़े हम क्या करेंगे इसके, तो 5 इसके करेंगे, तो ये कितने पे जाएगा 0.8 सेंटीमीटर पे जाएगा और ये जाएगा 2 डेसीमीटर। ये संख्या कभी भी पॉइंट में नहीं आनी चाहिए जो हमें शो करनी होती है। चलिए, तो कितनी लाइन ली हमने 12 सेंटीमीटर की, यहाँ पे शो करना, तो 12 सेंटीमीटर की हमने लाइन ली है यहाँ से, और कितने टुकड़े करने हैं 3, 4-4 सेंटीमीटर के 3 टुकड़े हो जाएंगे। ये प्राथमिक विभाजन हो गया है और गुण विभाजन 0.8 का हुआ है, 0.8 8 2 16 8 3 24 और 8 4 32 ये होता है इस प्रकार से। इन चीजों के अंदर आपको बिल्कुल सफाई दिखानी है, ठीक है। और उसी प्रकार से ना हमने 0, 1, 2 ये क्या है मीटर, इधर क्या दिखाया हमने 2 डेसीमीटर, 2, 4, 6, 8, 10 और ये क्या बन गया डेसीमीटर। यहाँ पर आपका अभी आप सिंगल चार्ट बना रहे हैं तो यहाँ पर आपका नेम आएगा, तो ग्रुप चार्ट बना रहे हैं तो यहाँ पर आपके नेम और आगे रोल नंबर आएंगे, ठीक है। यहाँ चलिए, नोट्स हमारा हो चुका है, थोड़ा सा इसको यहाँ पर आप, और अब हमारा मेन काम रह गया है इसकी हेडिंग देना। तो हेडिंग आप क्या लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले ऊपर लिखेंगे अपन प्लेन टेबल सर्विस, ठीक है, यहाँ पर सर्वे। और ये हमने कौन से मेथड से किया है, रेडिएशन मेथड से किया है, रेडिएशन मेथड से किया है। और कहाँ पर किया है, फिलहाल ये तो अपन इंदौर किया है, इसलिए अब हालांकि ये अपना चार्ट वैलिड नहीं है तो फिर भी अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि इन कॉलेज कैंपस, ठीक है, इन कॉलेज कैंपस या फिर डिजिटल रूम का होता है ना, क्योंकि हमने डिजिटल रूम का लिया है तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा डिजिटल रूम, ठीक है, डिजिटल रूम का हमने यहाँ पर बनाया, तो जहाँ का भी अपन बना रहे हैं वो एरिया हमारे पास में बन जाएगा, ठीक है। तो ये था इस प्रकार से, ये हमारा चार्ट था जो कि बी ए पार्ट सेकेंड ईयर में बनता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।